दोस्तों बहुत सारे इंस्टाग्राम यूजर हैं जिनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है और मुझसे वो कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि भाई अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद अकाउंट के जो फॉलोअर्स है वो क्यों घट जाते हैं या फिर घटते हैं या फिर नहीं घटते हैं, उसकी रीच क्यों डाउन हो जाती है। कंप्लीट जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे रोक सकते हैं, कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देख लेना, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। और चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना लास्ट में। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों करते हैं। जैसे भी इंस्टाग्राम यूजर है, कोई भी यूजर है, आप है, मैं हूँ या फिर कोई और है, जो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट क्यों करता है। टेम्पररी डीएक्टिवेट करते हैं कि भाई मेरे अकाउंट को मैं टेम्पररी डीएक्टिवेट कर देता हूँ, मेरे एग्जाम आ गए हैं या फिर मुझे कहीं पर जाना है जिसकी वजह से मैं 15 दिन इंस्टाग्राम को यूज नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं कहीं पर मतलब किसी भी कारण से बिजी रहूंगा जिससे मैं 1 महीना 2 महीना 6 महीना 15 दिन किसी भी टाइम पीरियड के अंदर अंदर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज नहीं कर पाऊंगा, इसकी वजह से मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता हूं, बाद में जब एक्टिव होऊंगा तब अपने अकाउंट को यूज कर लूंगा। तो इस वजह से लोग अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटर हैं, अपने रील्स बनाते हैं, डेली अपने अकाउंट पर अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पर, तो आपके साथ होता होगा जैसे आप डेली की वीडियो डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, कोई पोस्ट डालते हैं जिससे आपकी उसकी रीच देखने के लिए मिलती है। जैसे आपने रील डाली और आपको मान लो मैक्सिमम 500 व्यूज तो कम से कम मिल रहे हैं, एक तरह से 1000 व्यूज मिल रहे हैं, किसी को 100 मिल रहे हैं डेली की डेली डाल रहे हैं, फिर एक दो दिन में डाल रहे हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो आप अगर ऐसा डेली कर रहे हैं तो आपका ऑडियंस के साथ एक तरह से कनेक्शन हो गया है, वो आपकी रील्स देखते हैं। 500 व्यूअर्स भी अगर आपकी रील्स देख रहे हैं तो वो 500 व्यूअर्स आपकी रील्स का वेट करते हैं, आपकी रील्स को वो देख लेते हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं, डीएक्टिवेट करने के बाद आप अपने अकाउंट को यूज नहीं करते हैं, जैसे मान लो 2 महीने के लिए आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया, तो आपका जो कनेक्शन है वो अपनी ऑडियंस के साथ खत्म हो चुका है 1 महीने तक या फिर 2 महीने तक अपने आपका अकाउंट को डीएक्टिवेट किया है। ऐसे में कोई भी कंटेंट नहीं डालने की वजह से आपके अकाउंट की रीच ऑटोमेटिक डाउन होती जाती है, कि जब आपने अपने अकाउंट पर कोई कंटेंट ही नहीं डाला है तो आपकी रील्स की जो रीच है वो कहाँ पर जाएगी। जो लास्ट रील है उस पर व्यू जाकर रह गए हैं, लेकिन जो रेगुलर रील्स का इंतजार कर रहे हैं व्यूअर्स आपके, वो आपकी रील्स को नहीं देख पा रहे हैं। तो अकाउंट डीएक्टिवेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद जब आपने उस अकाउंट पर कंटेंट नहीं डालते हैं प्रॉब्लम उससे होती है, अकाउंट की रीच डाउन हो जाती है, व्यूअर्स आपके अकाउंट पर विजिट नहीं करते हैं और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी डाउन हो जाते हैं। क्योंकि आपके जैसे 500 फॉलोअर्स हैं तो उनमें से मान लो 5 लोगों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया, आपको नहीं पता, वो काफ़ी टाइम से यूज कर रहे थे कि उन्होंने डिलीट कर दिया, तो 5 फॉलोअर आपके डिक्रीज हो जाएंगे। और जैसे कुछ लोग हैं जो आपके अकाउंट को अनफॉलो भी कर देते हैं इस दौरान, कि जैसे आपने मतलब महीने भर से कुछ कंटेंट नहीं डाला है, आपके अकाउंट को छोड़कर चले जाएंगे, अकाउंट डिलीट कर देंगे खुद का, या फिर जो बॉट फॉलोअर्स होंगे जो आपने पहले कभी बढ़ाए होंगे वो आपके इस दौरान डिक्रीज हो जाएंगे। और आपको वैसे होता ही हमेशा है कि आपके फॉलोअर्स डिक्रीज होते रहते हैं, अकाउंट डिलीट करने वाले भी करते रहते हैं, उसी दौरान नहीं करेंगे लेकिन आपको पता जब चलता है, क्योंकि आप अपने कंटेंट तो डाल नहीं रहे 2 महीने से अपने अकाउंट पर, तो अकाउंट पर कंटेंट नहीं डालने की वजह से आपके अकाउंट एक तरह से बिल्कुल डाउन पड़ा है। और डाउन पड़े रहने के बाद आपके फॉलोअर्स तो बढ़ नहीं रहे, जो घट रहे हैं वो शो हो रहे हैं। जैसे आपके डेली 10 फॉलोअर्स बढ़ते हैं, 10 में से अगर 2 डिक्रीज हो जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता और आप सोचते हैं भी 8 फॉलोअर्स मेरे बढ़ गए हैं, लेकिन जब अकाउंट की रीच डाउन हो जाती है, डीएक्टिवेट पड़ा रहता है अकाउंट, तब आपके 10 फॉलोअर्स बढ़ते तो है नहीं, आपके 2 फॉलोअर्स डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए आपको डिक्रीज होते होते 2-2 फॉलोअर्स डिक्रीज होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि अकाउंट की फॉलोअर्स क्यों घट रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, अकाउंट की रीच डीएक्टिवेट करने से नहीं होती, आपके अकाउंट पर डीएक्टिवेट होने के बाद अकाउंट पर एक्टिव ना होने की वजह से, आप कंटेंट तो डालते नहीं है उसी से होता है। तो बात वही है, चाहे आप कुछ भी समझ लो, अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद अकाउंट पर एक्टिव नहीं रहते हैं, कंटेंट नहीं डालते हैं, सब कुछ इसी कारण से होता है, आपके इसी यही वजह से फॉलोअर्स घटते हैं और इसी वजह से अकाउंट की रीच डाउन होती है। क्योंकि अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद आपका अकाउंट किसी को भी शो नहीं होता है, जब तक आप डीएक्टिवेट रखेंगे तब तक वो किसी को भी शो नहीं होगा, जैसे आप उसको एक्टिवेट करेंगे तब आपका अकाउंट लोगों को शो होने लग जाएगा और आप कंटेंट डालेंगे तब आपके व्यूअर्स धीरे धीरे आपके अकाउंट पर वापस आएंगे। अगर आपने 2 साल के लिए अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है तो हो सकता है आपका अकाउंट बिल्कुल डेड हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक डीएक्टिवेट नहीं करना है, डीएक्टिवेट करने के बाद अकाउंट डिलीट तो नहीं होगा लेकिन अकाउंट की रीच डाउन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और कोई मन में सवाल हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं कमेंट में आपका सभी का रिप्लाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।